तो ये है यहाँ का टेरेस जहाँ पे मैं आया हूँ सनसेट के टाइम, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सनसेट यहाँ से आपको दिखाई देगा। ये है समिट स्विस हेरिटेज का फ्रंट गेट, एक बैक गेट भी है जो नीचे की तरफ है। यहाँ से आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो आपको रिसेप्शन एरिया मिलेगा। हमारा रूम थर्ड फ्लोर पे था, यहाँ टोटल 4 फ्लोर्स हैं, तो हमारा रूम था 301। और अब मैं आपको जल्दी से अपना रूम दिखा देता हूँ। सबसे पहले जैसे ही आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे राइट साइड में है एक कबर्ड जो काफ़ी स्पेशियस है। साथ ही आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेफ दिया है और एक एक्स्ट्रा क्विल्ट, एक एक्स्ट्रा रजाई आपको दी हुई है। उसी के साथ है थोड़ा सा और स्टोरेज एरिया जहाँ पे आप अपना लगेज वगैरह या कुछ भी रख सकते हैं। और नीचे है शू रैक, यहाँ पे आप अपने जूते रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा एक फुल व्यू मिरर जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि यहाँ पे है एक टीवी, आपको डिश दी हुई है, सारे चैनल्स आ रहे थे। और उसी के नीचे है रूम हीटर जो बिल्कुल फ्री है, बेसिक चीज़ें आपको दी हुई हैं जैसे इलेक्ट्रिक केटल और कुछ चाय बनाने का सामान। और आपको पानी इन ग्लास जार्स में मिलता है, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो आप रिसेप्शन पे कॉल कर दीजिए, वो इन्हें रिफिल कर देंगे। कोने में है एक छोटा सा वर्क स्टेशन, यहाँ है एक सोफ़ा चेयर और साथ ही एक वुडन टेबल। रूम में काफ़ी सारे चार्जिंग पॉइंट्स हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेड के दोनों साइड लैंप्स हैं, बेड भी काफ़ी कंफर्टेबल है, एक किंग साइज बेड आपको दिया हुआ है रूम में। चलिए अब आपको बाथरूम दिखा देता हूँ। आपको कोई भी बेसिक टॉयलेटरी चाहिए तो आप रिसेप्शन पे कॉल करके मंगवा सकते हैं, चाहे शावर जेल हो, टूथब्रश, टूथपेस्ट या फिर शैम्पू या फिर बॉडी लोशन, वो सब आपको प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ है शावर जिसमें हॉट एंड कोल्ड वाटर आता है, साथ ही बकेट भी दी हुई है अगर आप बकेट से नहाना चाहें तो। यह है वॉश बेसिन, सामने की तरफ है मिरर और यहाँ है वॉश बेसिन। वॉश बेसिन में भी आपको हॉट एंड कोल्ड वाटर मिल जाएगा। साइड में है हेयर ड्रायर और ऊपर की तरफ है एक बड़ा सा गीजर। स्विस हेरिटेज का डीलक्स रूम आपको 3 से 4 हज़ार रुपये के बीच मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी एंड सीजन। आप जितना एडवांस में बुक करेंगे अच्छे रेट्स मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। ओवरऑल रूम काफ़ी अच्छा है, सारी चीज़ें आपको मैंने दिखाई और लाइट्स वगैरह भी आप देख सकते हैं कि लाइटिंग भी बहुत अच्छी है। अनफॉर्चुनेटली हमें व्यू वाला रूम तो नहीं मिल पाया क्योंकि वो पहले से ही ऑक्यूपाइड थे। यहाँ के टेरेस से बहुत अच्छा व्यू दिखता है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। हमारे रूम से ये सड़क दिखती है जो माल रोड तक जाती है। रूम काफ़ी अच्छा है, सारी आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बेड भी काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल बेड है, और माल रोड भी बिल्कुल पास में है, 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे माल रोड है। और साथ ही अगर आपको सिलीगुड़ी जाना है तो आपको टैक्सी भी बहुत पास से मिल जाती है, मतलब आपको माल रोड तक भी नहीं जाना, 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। सामने रमाडा होटल है और वहाँ से उसके नीचे से आपको टैक्सी जो शेयर्ड कैब्स हैं वो मिल जाएंगी सिलीगुड़ी के लिए। चलिए अब आपको यहाँ का टेरेस दिखा देता हूँ। आपको लिफ्ट से 4th फ्लोर तक जाना है, लिफ्ट से कुछ ऐसा व्यू आपको दिखाई देता है। 4th फ्लोर के बाद थोड़ी सी स्टेयर्स हैं, आप जैसे ही उन स्टेयर से ऊपर जाएंगे आप टेरेस पे पहुंच जाएंगे और टेरेस से आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलता है। सामने है कंचनजंगा के बर्फ से ढके हुए पहाड़। कैमरे में शायद आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप जब सामने से उन्हें देखते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये जो नीचे आप देख सकते हैं ये भी स्विस हेरिटेज का ही एरिया है, यहाँ पे इनके कुछ प्रीमियम रूम्स हैं और सामने की तरफ है सनसेट।
ये है पूरा टेरेस एरिया जहाँ पे आप आके कभी भी बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं और कुछ इस तरह का सनसेट आपको यहाँ से दिखाई देगा। सूरज ढलने के बाद आपको रात को यहाँ से ये नज़ारा देखने को मिलता है। मैंने यहाँ के इन हाउस रेस्टोरेंट से एक तंदूरी चिकन ऑर्डर किया जो काफ़ी अच्छा था और सारे टैक्सेस मिला के ये पड़ा लगभग 550 रुपये का, जो काफ़ी अच्छा प्राइस है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अलविदा।